Assalamualaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 7 of grade 4 science, earth and its resources. और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है वो है अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं, वाटर, एयर, सॉइल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, और इनकी जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ये ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास वेटलैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब की जो है वो अपनी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। और अब हम इनको वन बाय वन के जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर। ज़्यादातर जो हम अपने घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और वॉशिंग के लिए, वो फ्रेश वाटर जो है वो होता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर, लेक्स, रिवर और स्ट्रीम्स में से, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहाँ से आता है। इसके अलावा जो है वो सॉल्टी वाटर या सलाइन वाटर जो मौजूद होता है वो ओशंस में मौजूद होता है, जो कि हम अपने डेली लाइफ के पर्पसेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसमें तकरीबन 3.5% जो है वो सैलिनिटी होती है, मतलब सलाइन जो है, मतलब जो सॉल्ट है उसमें 3.5% जो है उस वाटर में मौजूद होता है, और इसमें जो डिजोल्व सॉल्ट होते हैं उनकी मकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम जो है वो अपने डेली लाइफ के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट वाटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वॉशिंग पर्पसेस के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बेसिक के वाटर की मौजूदगी से हम जो है वो प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो है एयर, जो कि हर जगह पे हमारी अर्थ पे मौजूद है और ये मिक्सचर है बहुत सारी डिफरेंट गैसेस का और टाइनी डस्ट पार्टिकल्स का। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए अर्थ पे सर्वाइवल के लिए एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है और एयर जो है वो हर जगह पर मौजूद होती है, इंक्लूडिंग सॉइल एंड वाटर, क्योंकि सॉइल एंड वाटर के अंदर भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं और वो ब्रीथिंग के लिए एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट जो फास्ट ब्लोइंग एयर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि विंड मिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बोटिंग के लिए जो है वो एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो है सॉइल। सॉइल जो है वो अर्थ की एक लूज सरफेस है जिसने पूरे जो उसका लैंड है उसको कवर किया हुआ है। इसने कंटेन किए होते हैं वाटर, एयर एंड फर्टाइल मैटर। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स की सपोर्ट के लिए और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं अपने मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से जो है वो लेते हैं। इसके अलावा ये जो है बहुत सारे इसमें सॉइल के अंदर माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टेरियाज वगैरह, जो कि जो बहुत सारे रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसकी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल जो है ये एक लार्जर सोर्स ऑफ एनर्जी है और पाकिस्तान में जो मेन पावर जो है वो 40% तकरीबन जो है वो ऑयल से जनरेट की जाती है। इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट में, मतलब व्हीकल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो उसकी स्मॉल अमाउंट है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो है नेचुरल गैस। स्टूडेंट जो नेचुरल गैस है ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हमें हीट जो है वो हासिल होती है, इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट व्हीकल्स में जो है नेचुरल गैस जो है वो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल की जाती है, और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नेचुरल गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।